Welcome back, guys. Now in this video, we are going to talk about momentum. Momentum is basically a vector quantity. As you guys know, it has both magnitude and direction. This means it can be both positive and it can be negative. अगर ये positive negative हो सकता है, इसका मतलब ये है कि vector addition, vector subtraction, head to tail method, factor addition, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ इस पर एप्लीकेबल होगा. अच्छा, अब बेसिकली मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम, वेल, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी. और इसके डेफिनेशन आपको तो बहुत अच्छे से पता होगी कि मोमेंटम जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो एक बॉडी है अगर आपके पास 1 kg की, और अगर वो किसी 5 meters per second की velocity के साथ जा रही है, तो उसका momentum क्या होगा? 5 into 1, जो कि निकल आ जाएगा 5 units kg ms minus 1. ठीक है, अच्छा, इसको newton's second भी कहते हैं. reason उसका ये है कि newton seconds को आप convert कर सकते हैं kg ms minus 1 में. newton's का मतलब होता है kg ms minus 2. so अगर आप second से multiply कर दें, तो इन दोनों की power add हो जाएगी. ये बन जाएगा kg ms minus 2 plus 1, जो कि हो जाएगा kg ms minus 1. ठीक है, जो कि सेम यूनिट है मोमेंटम. अब इसके बाद बात करते हैं दो बॉडीज जो कि कोलाइड करती हैं के मोमेंटम की. अच्छा, बेसिकली अब एक बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा उससे पहले एक जरा दो बॉडीज की बात कर लूं. तो ये दो बॉडीज हैं अगर आपके पास, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं. ये वाली बॉडी अगर लेट्स से वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी के साथ जा रही है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रही है, एंड इसका मास है 1 केजी. अब ये वाली बॉडी की मास का मास लेट्स से 2 केजी है, एंड इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब इस बॉडी टू द लेफ्ट जो है ये ए है, बॉडी टू द राइट जो है वो बी है. अब इनके अगर मैं आपसे कहूँ कि मोमेंटम ए का भी निकालें बी का भी निकालें, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. अच्छा, बेसिकली अब इसका आंसर 2 और 10 नहीं है. बेसिकली एक आंसर अगर आपने प्लस 2 लिखा है, दूसरे का आप माइनस 10 लिखेंगे. क्यों? कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, अगर इसका आपने माइनस 2 लिखा है, तो इसका आपने प्लस 2 10 लिखा है. इन दोनों के साइंस ऑपोजिट होने की, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसके बाद बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली आपको ये बताता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहते हैं कि जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज जो इंटरैक्ट कर रही होती हैं इसी इस टाइप के सिस्टम में, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision. ठीक है, तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि कोई भी दो बॉडीज, अगर ये आपको पता ही होगा, पढ़ा ही होगा, कितनी बार पढ़ा होगा आपने, कि बेसिकली दो बॉडीज अगर कोलाइड कर रही हैं, उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, उनका जो इनिशियल मोमेंटम था और वो जो फाइनल मोमेंटम था, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए. ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं. अगर ये बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है, इसका मास एम वन है, इसका मास एम टू है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है. अच्छा, इनकी वेलोसिटीज यू वन और यू टू ले लेते हैं, ये यू टू है, ये यू वन है. कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं. ठीक है, ये एम टू इस तरफ जाने लगे, एम वन इस तरफ जाने लगे, ये एम वन है, ये एम टू है. राइट, एम टू का जो जो स्पीड है वो है अब वी टू, एम वन की जो स्पीड है वो है वी वन. अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ टोटल मोमेंटम, अब इन दोनों का पहले निकाल लेते हैं. टोटल मोमेंटम इन दोनों का कोलाइड करने से पहले क्या होगा भाई? M1 U1, और इन दोनों टोटल, इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, मतलब इस बॉल का मोमेंटम क्या होगा, तो ये सेकंड वाली है M2 मल्टीप्लाइड बाय U2. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें, ये टोटल मोमेंटम है कोलिजन से पहले का. टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई? M1 V1, इसको ऐड कर दें M2 V2 से. ठीक है, आपने दोनों को ऐड कर दिया. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इन दोनों के वैल्यूज सेम होंगे. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2.
ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको एक बॉडी पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये काफी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह अप्लाई होता है एज लॉन्ग एज द सिस्टम इज आइसोलेटेड। अब ये दो बॉडीज अगेन इनकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 2 kg बॉडी है ये लेट्स से, ये 3 kg बॉडी है, इसकी स्पीड जो है लेट्स से 2 meters per second है, इसकी स्पीड अज्यूम कर लेते हैं कि 3 meters per second, ठीक। अब अच्छा चलो इसका मास चेंज कर लेते हैं, 5 kg कर लेते हैं। अब कोलाइड करने के बाद ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली बॉडी है ये तो लेफ्ट साइड की तरफ जाने लग गई, इसकी स्पीड आपको बता दी गई है कि चलो अज्यूम करते हैं कि इसकी स्पीड है 1.5 meters per second। जो राइट साइड वाली बॉडी है इसकी स्पीड हमें नहीं पता, इसकी स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, ये सिनेरियो आपको गिवन है, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लें। अच्छा बेसिकली अभी अगर ये वीडियो है तो आप यहाँ पर 1 second के लिए इसे पॉज करें और यहाँ ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, इसके बाद मैं आपको जो है सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा तो ये बेसिकली बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन थी, राइट। अच्छा मैंने आपको कहा था कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शंस का ख्याल रखना है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि राइट साइड पे जो भी वेलोसिटीज जा रही है वो सारी पॉजिटिव है, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे जा रही है वो ऑब्वियसली उसके नेगेटिव होगी। आप देख लेते हैं ये पॉजिटिव है और मतलब ये 2 meters per second पॉजिटिव है राइट पे जा रही है, बट ये 3 नेगेटिव है, ये 1.5 भी नेगेटिव है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। V2 का हमें नहीं पता, इसको ना छेड़ें, ठीक है। अब फाइंड कर लेते हैं ये कोलिजन से पहले इनका मोमेंटम टोटल क्या था। तो बेसिकली आपने करना यह है कि ये आपका प्लस 2 meters per second है, ये 2 kg है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनको ऐड कर दें आप इस बार इन दोनों के प्रोडक्ट से 5 × -3, ये आपका टोटल मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन का। आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम क्या होगा भाई, इसका मास तो वही है 2 kg, इसका मास तो वही है 5 kg, राइट। अब 2 को -1.5 से मल्टीप्लाई कर दें और ये 5 kg जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें V2 से, इन दोनों को इक्वेट कर दें, ये 4 − 15 क्या हुआ, -15 + 4 हो गया आपका -11, ठीक है, जो कि इक्वल होगा -3 + 5 V2 के, -3 क्योंकि ये प्रोडक्ट -3, अब इसको इस साइड पर भेज दें ये हो जाएगा आपका -8, 5 V2 के इक्वल है और V2 की वैल्यू आ जाएगी -8/5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा फर्दर, तब डेसिमल 1/5 माइनस करें 3 आ गया, पॉइंट लगाएं 1.6 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो -1.6 आपकी V2 आ गई। अच्छा ये -1.6 का क्या मतलब है, -1.6 का मतलब ये है, ये नेगेटिव साइन आपको ये इम्प्लाई कर रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला जो मास है ये आपके लेफ्ट साइड पर ही मूव करेगा, ठीक है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है टू द लेफ्ट, तो ये वाला जो ब्लॉक है इसकी भी डायरेक्शन होगी टू द लेफ्ट और ये 1.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव करेगा, क्लियर। अच्छा अब ये तो था आपके एक एग्जांपल मैंने दी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, ठीक है, और मूवमेंट की और उनके डायरेक्शन की। अब यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने के बाद हम मूव करते हैं डिफरेंट कोलिजन्स की तरफ। कोलिजन्स आपके पास 2 types के होते हैं, कोलिजन्स पास 2 types के होते हैं, पहला वाला होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा वाला होता है आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो वाला होता है जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बिफोर और आफ्टर कोलिजन और इसमें आपका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। इनइलास्टिक वो होती है जिसमें आपका टोटल मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है, राइट, चाहे वो इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मतलब बिफोर और आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती टोटल, इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा होता है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, आपके पास कोई रबर बॉल हो उससे कोलिजन इलास्टिक होती है, आपके पास कोई बॉल ज्यादा हार्ड स्फेरिकल बॉल्स हो उनकी कोलिजन्स भी इलास्टिक ही होती है, जबकि इन इलास्टिक की बात कर लें तो एक्सप्लोजन जितने भी हैं वो सारे इन इलास्टिक होते हैं। ये वही सिनेरियोज मैं आपको बता रहा हूँ जो पास्ट पेपर्स में टेस्ट होते हैं, एक्सप्लोजन
एक्सप्लोजन के अलावा आपके पास इलास्टिक कोलिजन में वो भी आ जाता है, क्या कहते हैं, आपने कोई ग्लास लिया ठीक है, उसको आपने दीवार में फेंका, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, दैट्स आल्सो इन इलास्टिक कोलिजन। एक्सप्लोजन भी इन इलास्टिक कोलिजन है। इसके अलावा हाँ, कोई भी दो बॉडीज मूव कर रही हैं, एक उन्होंने कोलाइड किया एक दूसरे के साथ और दोनों कोलाइड करने के बाद स्टिक हो गई, ये भी एक सिनेरियो आपने देखा होगा पास पेपर्स में। तो स्टिकिंग वाला जो सिनेरियो है ना, ये भी इन इलास्टिक के ही अंडर आता है, इसमें भी लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा होता है, इसकी वजह से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा होता है, इसकी वजह से ये जो है वो स्टिक कर जाती है। इलास्टिक कोलिजन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि स्पीड ऑफ अप्रोच जो होती है वो स्पीड ऑफ सेपरेशन के इक्वल होती है। बस ये टर्म याद रख लें, इसको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये एक एमसीक्यू ऑप्शन आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला बता देता हूँ कि स्पीड ऑफ अप्रोच ये होती है इक्वल स्पीड ऑफ सेपरेशन के। अगर आपको नहीं पता कि स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन को कैसे निकालते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपसे ये निकाले बगैर ये आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हुए, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर आफ्टर कोलिजन आर इक्वल उससे। अच्छा, एक और कोलिजन होता है, इसी इलास्टिक की ही एक टाइप है, उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में यह होता है कि दो बॉडीज जो कि इक्वल मास की होती है ना, पर एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, उनके मासेस सेम है, कोलाइड करने के बाद अगर इस मास की वेलोसिटी थी यू वन, दूसरे वाली मास की वेलोसिटी थी यू टू, ठीक है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, कोलाइड किया दोनों बॉडीज ने, कोलाइड करने के बाद इन्होंने अपनी एक दूसरे की जो वेलोसिटीज है ना इंटरचेंज कर दी, इंटरचेंज वेलोसिटीज। तो बेसिकली होता क्या है, पहली बात सेम मास वाली बॉडीज होनी चाहिए, बॉडीज ऑफ द सेम मास, उसके अलावा दोनों की जो कोलाइडिंग वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी कोलिजन्स के बाद। तो जो ए बॉडी ए है ना कोलाइड करने के बाद वो लेफ्ट साइड पे जाएगी इसी वेलोसिटी के साथ यू टू के साथ जो बॉडी बी आ रही थी, और जो लेफ्ट साइड वाली बॉडी सॉरी जो राइट साइड वाली बॉडी बी है ना वो बॉडी ए की वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है, कोलाइड करने के बाद। तो ये वाला जो सिचुएशन है इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो इसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके सिनेरियो सारे मुकम्मल हो जाते हैं, क्लासेस का भी हो गया, स्टिकिंग का भी हो गया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और नॉन कंजर्व स्टेट भी हो गई। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लेट्स मूव ऑन, मोमेंटम का ही आपकी बुक से। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की एग्जाम्पल क्वेश्चन तो मैंने खुद अपनी ही दे दी आपको यहाँ पर, और बुक में भी सिमिलर ही है, बस सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है, तो आप बुक की एग्जाम्पल देख लीजिएगा, तो मैं यहाँ पर करा नहीं रहा, शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है।